सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्सेक क्लासेस। गाइस, वीडियो में बात करेंगे जो कि अर्जेंट बेसिस एक वैकेंसी निकली है जिसमें अर्जेंटली पोस्टें भरी जानी है, जिसका आने की पूरी संभावना जो है इसी मंथ अक्टूबर में है। ईएसआईसी की तरफ से जो 2800 के आसपास पोस्टें रहेगी उसमें, तो उसमें तकरीबन जो है कह सकते हैं 1000 लोगों के लगातार कमेंट्स हमारे पास आए हैं, चाहे वो पोल के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो। पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको प्रत्येक वैकेंसी की पीडीएफ और आपकी जो भी मतलब डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। आप लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन 1000 के आसपास क्वेश्चन आए, ठीक है। वो कौन कौन से डाउट थे वो मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूँ। इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे GNM हो चाहे BSc नर्सिंग हो, ठीक है। और इसकी एज लिमिट क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम डेट और फॉर्म डेट के बारे में, ठीक है। तो पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऊपर ऑल पे दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको अपने आप नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अपना नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दोनों पोस्ट हैं। तो सबसे पहले सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लें। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और काउंसिल, ठीक है। रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और यहाँ पर जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 50-bedded हॉस्पिटल का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। यदि आपने GNM कर रखी है तो BSc नर्सिंग कर रखी है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस। यदि पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी है तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जूनियर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको अपन नर्सिंग ऑफिसर कह रहे हैं, जिसमें बड़ी पोस्टें हैं, ज़्यादा पोस्टें हैं, उसके लिए आपको GNM के साथ जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता है नहीं, और ना ही BSc नर्सिंग के साथ। BSc नर्सिंग के साथ बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन GNM कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगे, हो सकता है कि फ्रेशर भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाए, और मुझे लगता है कि फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो नर्सिंग ऑफिसर की प्योर जो वैकेंसी उसमें। अब आते हैं नीचे, और कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें एज लिमिट की बात करें, एक्सपेक्टेड ESIC स्टार नर्स एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, लेकिन पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, फिर रिलैक्सेशन की बात करेंगे। तो इसमें एज लिमिट जो रहने वाली है वो आपके रहने वाली है 18 से लगाकर 37 साल, ठीक है, 18 to 37, समझ गए। तो 18 से 37 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 18 से 40 यदि आप OBC में है तो कर पाएंगे, 18 से 37 यदि आप अनरिजर्व हैं तो कर पाएंगे। SC ST 18 से 42 साल रखेगी, 5 साल का एज जो है रिलैक्सेशन। PWD की बात करें, जनरल की 10 साल और SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन है बहुत ज़्यादा, और OBC को जो है 13 साल का रिलैक्सेशन, ये ड्यू टू रिजर्वेशन है, ठीक। एक्स सर्विसमैन की बात करें, लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेज इन एडिशनल और टू 3 ईयर एडिशनल रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय जो है ESIC के, उनको अप टू 40 ईयर जो है ही हैज़ कम्प्लीटेड 3 ईयर ऑफ द रेगुलर ड्यूटी इन द कॉरपोरेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि उनको जो है 40 साल तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, मोटी मोटी बात यही है, बिना रिलैक्सेशन के 18 से 37 साल और रिलैक्सेशन के साथ जो है अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एज लिमिट रहेगी। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो है 2 घंटे का जो इसमें 125 नंबर का पेपर होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट नर्सिंग की बात करें तो 100 नंबर का जो है क्वेश्चंस नर्सिंग के आते हैं, और 25 नंबर के जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस जिसमें रीजनिंग और गणित आती है, ठीक है। 125 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर प्योर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और नॉन नर्सिंग और नर्सिंग की हम तैयारी भी आपको करवाएंगे, कुछ एक DSSB और ESIC की क्लासेज भी हमारे पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पढ़िए। आप यदि जाएँ हमारे चैनल पर विजिट करें तो प्लेलिस्ट नाम से जो फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर ESIC और DSSB की ऑनलाइन क्लासेज के नाम से फोल्डर बना हुआ, उसमें जाएंगे तो आपको कुछ क्लासेज भी मिलेगी, कुछ टॉपिक वहाँ पे हमने करवाए हैं। और संपूर्ण तैयारी जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद हम करवाएंगे पीजे वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। पीजे वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल आप उसको भी सब्सक्राइब करें। अब तीसरी बात, अब हमारे जो मेन क्या चीज़ें पीछे रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। फॉर्म डेट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, अक्टूबर के लास्ट वीक में फॉर्म भरे जाने शुरू होने की पूरी संभावना एक्सपेक्टेड डेट है। और एग्ज़ाम डेट जो है दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो दोस्तों दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी बात यह है कि क्या लोग लगातार पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, MP से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ,
यदि आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में ESIC की वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे आराम से। इसके अलावा दूसरी जगह भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ESIC ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। यदि आप चाहते हैं MP के कैंडिडेट हैं, MP में भी वैकेंसी आई हुई है और राजस्थान में भी है, माना कि अलवर में है, अजमेर, जयपुर, जो भी है। यदि आप चाहते हैं कि MP में न भर के आप राजस्थान में भरें तो भी भर सकते हैं, MP में भी भर सकते हैं, राजस्थान वाले भी बार भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे आपके डाउट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। 2800 पदों की बड़ी वैकेंसी आ रही है और इससे रिलेटेड जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही पता चलेगा। और नोटिफिकेशन जो है आपको PJ लक्ष्य क्लासेज टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके भी डाउट जो है वो क्लियर हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते हैं तो जो है उनकी भी एक कह सकते हैं आवाज़ बनकर जो है हम आगे काम कर सके और सरकार को भी लगे कि जल्द से जल्द वैकेंसी करवानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो है इसमें उम्मीदें हैं। और वैसे भी जो नर्सिंग ऑफिसर कॉरपोरेशन है, उन्होंने ESIC के जो चीफ ऑफिसर है उनको पत्र लिख दिया है कि इतनी पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, कितनी वैकेंसी आएगी। वो वीडियो भी हमने जस्ट इससे पहले इसी चैनल पर डाल रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तकरीबन जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी और वैकेंट पोस्ट कितनी है, खाली कितनी है, सेक्शन कितनी है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखी है, आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी आवाज़ जल्दी से जल्दी यदि आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और जो है अधिक से अधिक लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी समझ में आए और वो लोग भी जो है आवाज़ उठा सकें। हम जो है ट्विटर ट्रेंड भी चला सकते हैं यदि वैकेंसी नहीं आती है तो। काफ़ी टाइम हो गया, 2018 के बाद जो है ESIC की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आवाज़ को उठाने का जो है तरीका एक ही है कि अपने पास जो है वो बेस होना चाहिए, वो लोगों की संख्या होनी चाहिए जिससे कि आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास जो है शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।